हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। लव रीडिंग्स दिसंबर 2020, साल का आखिरी महीना। आप सब इंतजार कर रहे होंगे कि अभी तक लव रीडिंग्स क्यों नहीं आए। सॉरी लेट हो गया, बट आपके लिए हाजिर है आपकी लव रीडिंग। तो आप लोग सब जानते ही हैं आपको अपनी लव रीडिंग्स कैसे देखनी है। आपको अपनी लव रीडिंग्स अपनी लग्न कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, नाम राशि के अकॉर्डिंगली या फिर वेस्टर्न ज़ोडियक साइंस के अकॉर्डिंगली आप अपनी राशिफल देख सकते हैं। लव रीडिंग्स कि आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ कैसे रहने वाला है। स्पेसिफिकली हम दिसंबर मंथ के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपके स्पाउस, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या आपके साथ जो रिलेशनशिप कमिटेड रिलेशनशिप है वो, या जो इंगेजमेंट में है, या जो भी आपके पार्टनर के साथ जैसा कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपके लिए आपकी लव रीडिंग। तो चलिए अब हमारी अगली राशि है लिब्रा, तुला राशि। उनके लिए देखते हैं लव कार्ड क्या है, टैरो कार्ड क्या एनर्जीज दिखा रहे हैं लव रीडिंग दिसंबर 2020। तो कार्ड मैंने बिछा लिए हैं और सबसे पहला कार्ड जो लिब्रा के लिए आया है, तुला राशि वालों के लिए आया, वो आया है मैजिशियन का कार्ड। तो जो ये आने वाला जो हफ्ता है वो बिल्कुल मैजिशियन की क्वालिटीज लेके आएगा। और बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं, मैजिशियन की क्वालिटी ये कहता है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, सौहार्द रहेगा, प्यार रहेगा, एक दूसरे को आप समझेंगे, एक दूसरे की के कहने से पहले एक दूसरे के दिल में क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड आया है लिब्राज आपके लिए। अभी तक की जितनी भी मैंने रीडिंग्स करी हैं, जितनी भी राशियों के लिए करी हैं, शायद मेरे ख्याल से लिब्राज के सबसे ज्यादा अच्छे कार्ड आए हैं। दूसरा हफ्ता जो उसका नेक्स्ट हफ्ता होगा उसके लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड, मीन्स कंप्लीशन का कार्ड, कंप्लीट लव, कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट कमिटमेंट। और फिर उसके बाद आया है जो आपका लास्ट वीक होगा दिसंबर का, उसके लिए आया है सेवन ऑफ कप्स। यानी थोड़े से फ्लर्टियस होंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन कंप्लीट फुल रोमांस भी होगा, फ्लर्ट भी करेंगे, इधर उधर भी फ्लर्ट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ अपने पार्टनर के साथ नहीं, मुझे तो यहाँ ऐसे दिख रहा है इधर उधर भी जो है ये लिब्रास जो है थोड़े से नॉटी रहेंगे। लास्ट वीक में जरूर इधर उधर थोड़ा सा फ्लर्ट करने वाले हैं। इनके लिए तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, जैसे मैंने कार्ड देखे मुझे वो गाना याद आया, आता नहीं है मुझे गाना, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे, ला 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 ला। जल्दी से YouTube खोलिए, सुन लीजिए इस पूरे गाने को। आई एम वेरी बैड एट लिरिक्स, बट जो एकदम से मुझे गाना आया वो मैंने गा दिया, क्योंकि गाना मैं पहले से सोच के तो रखती नहीं। जैसे कार्ड सामने आते हैं कोई गाना समझ में आता है तो मैं गा देती हूँ आप लोगों के लिए। तो यानी लव 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 लव, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के लिए बने हुए हो जैसे। तो लिब्रा आपके लिए, अगर आप लिब्रा हैं तो खुश हो जाइए, आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा समय देने वाले हैं। और अगर आपका पार्टनर लिब्रा है तो समझ लीजिए वो आपको बहुत अच्छा समय देने वाले हैं, बट लास्ट वीक में जरा उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो इधर और इधर और उधर जरूर देखेंगे। तो उनको वहीं पे आपको कंट्रोल करना है और बाहों के दरमियान ही रखना है, गाना आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आगे मुझे कुछ और लिब्राज देते, सो क्लियर ये तीनों कार्ड इतना अच्छे से बता रहे हैं, मुझे आगे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। एंजॉय योर टाइम, एंजॉय योर दिसंबर 2020। और अगर क्योंकि जो लास्ट वीक है उसमें मुझे थोड़ा सा जरूर लग रहा है कि थोड़ी सी अनबन हो सकती है,
मीठी से तकरार भी हो सकती है, हो सकता है बहुत ज्यादा मीठा भी होता है तो चींटी लग जाती है ना, हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको आप जाने दीजिएगा। यहाँ पे ऐसा दिखता है कि लास्ट वीक में थोड़ी सी आप शक कर सकते हैं, कंफ्यूजन में आ सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि ये जो चमक रहा है ये वाकई में सोना है क्या, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती ना। यही दिमाग में आपका रहेगा कि भाई इतना प्यार है, इतना अंडरस्टैंडिंग है, क्या मैं सपनों में तो नहीं जी रहा है, जी रही, क्या ये सच में है? अरे भाई ये सच में है। बस यही है कि थोड़ा लिबरल्स जो है नॉटी हो सकते हैं लास्ट वीक में, बस उनको वहीं पे कंट्रोल कर लीजिए। और थोड़ा नॉटी होना बुरा भी नहीं है, सेहत के लिए अच्छा रहता है, और वैसे वो आप ही के साथ डेडिकेटेड है। तो आपके लिए जो एंजल कार्ड निकला है वो निकला है हमारा फ्रीडम। यस, प्यार प्यार पर इतना हो जाएगा, लिब्रस को लगेगा थोड़ा फ्रीडम चाहिए, इसलिए वो थर्ड वीक जो लास्ट वीक है उसके अंदर थोड़े से नॉटी हो जाएंगे, इधर उधर देखने लगेंगे, क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए। तो अगर आप लिब्रा हैं तो अपने पार्टनर को कह देना भाई मुझे थोड़ा फ्री टाइम भी चाहिए, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा मुझे घूमना फिरना है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं घूमना फिरना, या उनके साथ भी मेरे को टाइम थोड़ा स्पेंड करना है। और अगर आपके पार्टनर लिब्रा है तो समझ लीजिए आप खुद ही उनको थोड़ा सा फ्रीडम देना, खुद ही उनको थोड़ा सा छूट देना कि हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी फ्रेंड्स के बीच में भी जाके मिलना चाहिए, और ज्यादा मत पूछताछ करना कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कहाँ गई कहाँ नहीं गई, इतने बजे क्यों, उतने बजे क्यों, फोन क्यों नहीं उठाया, मैसेज क्यों नहीं पढ़ा, मोस्टली करते हैं, मैं भी करती हूँ, फिर भी आप जो है इस चीज को मत करिएगा, क्योंकि फिर जो है डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो लिब्रास एंजॉय एंजॉय योर दिसंबर, हैव अ नाइस टाइम। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले जितने वीडियोस हैं वो आपको समय पे पहुंच जाए, और शेयर लाइक कमेंट तो बनता ही है, एंड कीप वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।